कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र चौकामाफी पीपीगंज के परिसर में आयोजित किया गया। मेला के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर विभिन्न उन्नत कृषि निवेश की प्रदर्शनी तथा कृषकों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान पाठशाला के अंतर्गत तकनीकी सत्र भी आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने उन्नत संभा मंसूरी के धान की 10 किलोग्राम की मिनी किट्स निःशुल्क किसानों को प्रदान की तथा बताया कि इस धान की प्रजाति में झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता है तथा इस धान के चावल को शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस 10 किलो के पैकेट से 1 एकड़ की बुआई की जा सकती है। श्री शाही ने कहा कि किसान और कृषि विकास के बीच प्रसार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और इस कड़ी को मजबूत करके ही किसान को विकास की धारा से जोड़ा जा सकता है और इसी उद्देश्य से किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित शासकीय योजनाओं से किसानों को जागरूक किया जाए। यह पाठशाला 17 से 20 जून तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि अच्छी तकनीक को अपनाकर लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े, खेती लाभकारी हो, इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। कृषि मंत्री ने कृषकों को सुझाव दिया कि शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पंजीकरण कराना अति आवश्यक है और प्रत्येक विकास खंड पर कृषि विभाग का एक कर्मचारी कृषकों के पंजीकरण के लिए निरंतर उपलब्ध रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिक से अधिक कृषकों को केसीसी का लाभ दिलाने के लिए एक अभियान के तहत फार्म भरवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य के तहत किसानों के धान गेहूँ क्रय करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उनकी उपज का वास्तविक लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने सब्जी, दलहन, तिलहन की खेती पर बल दिया। इस अवसर पर संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं कृषक तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।